ये मैं खजाना निकाल रही हूँ क्योंकि एक यही चीज है जो कि खुली छोड़ी गई है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, सारा काम हो चुका है। मैं जा रही हूँ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, छत का। आज वहाँ पर खाद वगैरह डालनी है और देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ। तो मैं अभी तो मोबाइल चार्ज में लगा कर जा रही हूँ और आज है 1 सितंबर, तो आज का ब्लॉग आज ही जाएगी। मेरे पास कोई भी क्लिप नहीं है क्योंकि मैं जितना भी था मेरे पास, क्योंकि मैं जो जबलपुर गई थी दवाइयाँ लाने के लिए और वहाँ मेरा कॉलेज में भी काम था जो कि मैं फिनिश करके आ गई हूँ। और कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और उस दिन जितना किया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो कल ऐसे जब मैं कहीं चल जाती हूँ ना तो मेरे को अजीब सा लगता है, तो एक दिन रेस्ट में चल जाता है मेरा। और अभी मैं जा रही हूँ छत में, तो मैं यहाँ पर तसला लेने के लिए आई थी क्योंकि मेरे पास पुराने यानी गोबर के कंडे रखे हुए हैं, बहुत पुराने हैं, तो उनको ना फोड़ करके और हम एक खाद बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुराने हैं, समझ लो बहुत ही ज़्यादा साल हो गए हैं, 2-3-4 साल हो गए हैं तब के पुराने, 3 साल तो हो ही गए हैं, 4 साल। तो देख सकते हो मैं ये खाद लेकर आई थी है, तो इसको डालेंगे, ये मिट्टी थोड़ी अच्छी कर देगी। तो ये खाद है और ये तसला है, ये एक ठो ये लिया है तो, और ये कटिंग के लिए लिया है क्योंकि मिर्च में रोग लग गया है। और ये है छाछ का पानी जो कि मैंने रात में निकाला हुआ था, बहुत खट्टा है, इसको मैं डालूँगी। तो इतनी सारी चीज़ें ली हुई है। ये है कोचिंग से और मैंने अभी एक वीडियो शॉर्ट अपलोड किया है श्रेया से। मैंने बोला श्रेया एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो बोलती कौन सी, श्रेया का कल टेस्ट है तो वो मना कर रही है। पर मैंने बोला थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे दे दे अपना टाइम। और मैंने ये भी बोला है कि हो सकता मैं छत पे जा रही हूँ तो मोबाइल लेके नहीं जा रही हूँ, तो अब देखते हैं कैसा होता है। शायद मोबाइल लेके जाऊँ नहीं जाऊँ तो मैं जितना हो सकेगा शूट करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे परेशान ना करूँ, पर हो सकता मैं परेशान भी करूँ। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो कि कल रात में मैंने कूलर के सामने रख दिए थे तो वो सूख गए, क्योंकि श्रेया ऐसे मौसम में कपड़े धोती है जब बारिश होती है। और रात में इतनी घनघोर बारिश हुई है, बहुत तेज़ की बारिश एकदम से हुई है और करीब 1-1.5-2 घंटे हुई है। तो यहाँ पर श्रेया कोचिंग से आके लेटी हुई है। श्रेया वीडियो बनाओगे? श्रेया वीडियो बनाओगे? ये देखो श्रेया इधर पे लेटी हुई है और उसकी चोटी देखो कैसी भाग रही है उस साइड। भूख नहीं लगी? अभी नहीं लगी? तो चलो आज श्रेया खाना बनाएगी। खा के आए? क्या खा के आई? समोसे खा कर आई है। कुछ दिन पहले वीडियो पर गया कि बाहर का खाना नहीं खाना मुझे, इसने जलेबी नहीं लेने दी थी और आज समोसे खा कर आ रही है। देखो ये जलेबी मक्खी मिल बनाती हो समोसे में? समोसे ढके रखे रहते हैं। अच्छी जगह से खाई है ना? अच्छी जगह से खाई है। की दवाइयाँ यहाँ पे नहीं रखी हुई है, बैग में रखी हुई है। चलो दिखाते हैं। आकर भागी हुई है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ये बैग में रखी रहती है। तो ये मैं कल लेकर आई थी, ये देख सकते हो ये बैग में रखी रहती है जब इसको खान। अरे रे 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 रे, कितनी सोहरी दवाइयाँ रखी हुई है। पैरासीटामोल भी रखा हुआ है, ये 2 डिब्बियाँ जे रखी हुई है, 1 डिब्बी ये रखी हुई है। तो देख सकते हो कितनी सारी दवाइयाँ हैं इसकी, तो ये बैग में डाल के रखी हुई है। मोबाइल लेकर चलते हैं, ट्राइपॉड ले चलते हैं क्योंकि श्रेया नहीं परेशान करते हैं श्रेया को। चलो चलते हैं, दुपट्टा ले लें। अगर कोई दुपट्टा निकाल के रखती हूँ, और श्रेया की इतनी गंदी आदत है वो ना सफाई के चक्कर में, मैं इतनी मेहनत से निकालती हूँ कि चलो आज दुपट्टा ये चल जाएगा, पर श्रेया छुपा देती है। चलो ये दुपट्टा मिला है आज मुझे, ये अच्छा है। मेरे घर के सामने गाय बैठती है और गाय गोबर कर जाती है, मैं उस गोबर के उठा उठा कर इकट्ठा कर रही हूँ खाद के लिए। बस पहनते हैं ये चप्पल और ये तसला लेके चलते हैं नीचे। तसले में ट्राइपॉड भी रखते हैं, काम आएगा।
आप लोग देख सकते हो पूरी रात गाय बैठती है और गोबर करके चली गई है, तो चाबी लेके आना होगा। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ कंडे रखे हुए हैं जो कि निकालते हैं। बड़े बड़े कंडे छोड़ देते हैं, छोटे छोटे कंडों का बना लेते हैं। ये मैं खजाना निकाल रही हूँ क्योंकि एक यही चीज है जो कि खुली छोड़ी गई है, जो जितना मैं कुछ कर सकती हूँ। सच बताऊँ तो ये सब चीजें मैंने नहीं रखी है, ये 3-4 साल पुरानी सासू मर के कहीं थी। अब वो लोग अगर वीडियो में देखें ओ तुम्हारे कंडे चोरी हो गए ये बोला जाएगा। कोई ना, मैं खाद के लिए ले रही हूँ। छोटे छोटे लिए हैं मैंने, बड़े बड़े नहीं लिए। बाकी मैं रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये आज का ही व्लॉग है। मैंने बोला कि चलो, कि मेरे पास कोई भी क्लिप नहीं थी तो मैंने बोला आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो यहाँ पर मैं आई थी, इतना निकला हुआ है मटेरियल, पुराने कंडे लेने के लिए। चलते हैं अब ऊपर, ये सारा सामान रख लिया है। बड़ी एनर्जी है, अभी कब डाउन होती है पता नहीं। स्प्रे बॉटल लेनी पड़ेगी तभी तो कोई भी चीज़ ऐसी हम डाल सकते हैं, स्प्रे से अच्छा डलता है। तो आ गए हैं छत पे, और आप लोगों को बता दूँ मैं कि ये जो पेड़ लगा हुआ है, बेल लगी हुई है, ये है ककड़ी की। आप लोग ही बताना ककड़ी की है कि नहीं। और यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग, तो ये देखो किस प्रकार की, कितनी सारी इल्ली है, कितनी गंदी लग रही देखने में। और यहाँ पर ये मिर्च में कुछ इस प्रकार का रोग लगा हुआ है, पत्तियां सुकड़ गई हैं, मुड़ गई हैं, देख सकते हो। तो इसमें कोई भी फूल फल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा रोग से बीमारी लग चुकी है, इसको ग्रसित हो चुका है। ये है तुरैया का पेड़, गिल की तुरई, तो ये लगा हुआ है। जो कि तोरैया दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ पर करीब मैं 2 घंटे तो रुकी थी क्योंकि मैं बहुत सारा काम करी थी। वीडियो आप लोगों को यानी 16 मिनट का है, बहुत मैंने कट कर दी, स्पीड भी बढ़ाई है। तो यहाँ पर जो मैं नीचे से कंडे लेकर आई है जो कि मुझे मिल गए, तो वो कंडे को मैं यहीं पर डाल दूंगी, उसका एक पाउडर सब बना करके कभी बनाऊंगी। तो अभी तो डरे रहेंगे, पानी में भींगेंगे, और जो भी सब्जी वगैरह निकलती है, सब्जी के छिलके निकलते हैं, जो सब्जी ख़राब हो जाती है, तो सब मैं यहीं पर डालते जाती हूँ। मुझे यानी प्लास्टिक के बर्तन या फिर किसी मटके में भर के ये सब चीज़ें रखनी चाहिए, तब जाकर एक बढ़िया सी खाद बन जाएगी, जो कि मिर्च के लिए तो बड़ी ही लाभदायक है। और मिर्च में मैंने जो वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, तो यहाँ पर ये देखो मैं कटिंग कर रही हूँ, यानी कि ऊपर ऊपर की जो भी पत्तियाँ हैं वो हटा दे रही हूँ मैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा रोग लग चुका है, और इसमें मैं जो छाछ है वो डाल दूँगी, और जो भी मेरे पास खाद है तो वो डाल दूँगी। मैं लेकर आई थी, बाकी और भी चीज़ें रखी हुई है मेरे पास, तो वो मैं कभी कभी डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर राख वगैरह हो गया है ना, और गोबर की खाद हो गई, और केले के पत्ते, नारियल का भी होता है, ये सब मैं जो भी मुझे चीज़ें मिलती है तो उसका एक तरीका होता है डालने का, उसको बनाने का, तैयार जो खाद रहती है उसको बनाने का भी अलग तरीका होता है। ये सब चीज़ें नहीं करती मैं, क्या करती हूँ मिट्टी खोद करके और एक गड्ढे में सारी चीज़ें मैं डालती जाऊँगी और फिर उसी को मिक्स करके मैं सारे यानी जहाँ जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं उनमें डालती रहती हूँ। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो आप लोगों को पत्ते दिख रहे हैं वो ककड़ी का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर तुरई का पेड़ लगा हुआ है। अभी मैं ना एक धागे से, मेरे पास ऐसे कोई रस्सी वस्सी नहीं है, तो मैं धागे से ही ना एक जाली टाइप की बनाऊंगी जिसमें कि ये जो बेल को ना सहारा मिल जाएगा। तो अभी मैं ना जो थोड़े से गीले थे तो उनको मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर, दो यानी कि मुझे जैसा समझ में आया उतना तो मैंने ट्रीटमेंट किया है। ये दो ही पेड़ हैं इकलौते, और छोटे छोटे जो मैंने बनाए हुए हैं पौधे तो वो मैंने लगा दिए हैं। पर वो कभी कभी ऐसा रहता है ना कि अपन तो इतनी मेहनत करके पौधे, 20 से पौधे बनाते हैं, फिर वो अगर अलग अलग जगह लगाते हैं ना तो उनको टाइम लगता है बढ़ने में। मैंने क्योंकि ये करके देख चुकी हूँ तो मुझे ये बागवानी करना बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी समय, जब लगता है ना कि उदास मन है या कुछ भी है, तो मैं यहाँ पर अगर मुझे कोई 3 घंटे भी बैठने को बोल दे, 4 घंटे भी, तो मैं बैठ ही रहूँगी। तो मिर्ची का तो ऐसे मैंने ट्रीटमेंट किया है, यहाँ पे देख सकते हो अभी बारिश हो रही है तो ये सब भिग जाएगा। और यहाँ पर ये जो काला काला पड़ा हुआ है, मैं केले के छिलके डाल दी थी यहाँ पे। ये क्या है, नींबू कहाँ से आ गया इधर पे बताइए? ये नींबू कहाँ से आया? मेरे यहाँ तो ये नींबू है ही नहीं, आया कहाँ से ये नींबू? मेरे को एक एक चीज़ की खबर होती, पर ये नींबू कहाँ से आया? ये इल्ली, ये तो पूरा मेरे पेड़ को नुकसान करेगी। इस तरीके से ये शंख वाली इल्ली बहुत परेशान कर गई है। रोज़ तीन चार फेंकती हूँ मैं उस साइड पर, यहाँ से पूरी फैमिली आ जाती है, बच्चे भी आते हैं, माँ बाप भी आते हैं। आज तो पता नहीं पूरा मुखिया दिख रहा था, वो पूरे शंख के इल्लियों का। वो जो गाय खड़ी हुई है ना घर के अंदर, वहाँ पर गेट के पास, वही गाय सारी रात बैठती है मेरे यहाँ, दोपहर में वहाँ चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने यानी जाली वगैरह तो बना दी है, और शाम को भी आई थी तो मैंने और जाली बना दी है। यहाँ पर ना सेमी जो रहती है, सेमी भी लगा के रखी हुई है, अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अदरक, टमाटर, गेंदा और मिर्च और भी अभी कुछ बीज मैंने मंगाए हुए हैं। इंची टेप से पेड़ों को बांधा जा रहा है, मतलब धागों से पेड़ों को बांधा जा रहा है, जिससे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुए एवं वो नीचे ना गिरे। हमें डर लग रहा है मम्मी के ऊपर प्रतिकर्षण बल ना लग जाए, जिससे कि वो पृथ्वी में ना पड़े। जैसा कि पूरी सहजता पूर्वक से पौधों को मृदा में गड़ाया गया है एवं उसका रोपण करके उसे पूरी सज्जन तक, आई डोंट नो कौन सी भाषा हैगी, उसे पूरी ताकत से बांधा जा रहा है जिससे कि उन्हें झुकाव बल ना लगे। तो यहाँ पर ये दीदी आई थी, मैंने इससे धागे की गिरी मंगाई थी तो मैंने काम दे दिया, मैंने बोली चल थोड़ा सा वीडियो बना दे, तो कुछ का कुछ बोले पड़ी थी यहाँ पर और हंसा रही थी मुझे।
उसका काम है मुझे हंसाना, ये सबसे बढ़िया काम उसके पापा जी देख कर गए हैं। और मैं उससे ये बोल रही थी कि इतनी छोटी सी गिर्री लेकर आई थी, धागा ख़त्म हो गया है, तो फिर मुझे दूसरी गिर्री ला के दी थी, पर वो दोबारा नहीं आई। उसको पता था कि मम्मी फिर से यानी मोबाइल पकड़ा देंगी वीडियो शूट करने के लिए। तो यहाँ पर ना करेला लगा हुआ है, और जो ये टमाटर है ये चेरी वाले टमाटर हैं, तो ये मुझे लग रहा बेल की तरह फैलेगा। तो टमाटर ऐसा ही फैलता है, तो मेरे को लग ये जो धागे है ना, धागे से मैं एक जाली बना रही हूँ जिससे इससे सपोर्ट मिल जाए। और एक अपराजिता है वो भी यहीं पर लगा हुआ है, तो वो सारा कुछ मिक्स होके ना गुच्छा बन रहा है। तो मैंने बोला थोड़ा अलग अलग जाएगा तो समझ में भी आएगा हाँ कि हाँ ये चीज़ लगी हुई है। तो ये बड़ा सा जंगली पेड़ लगा हुआ है, तो इसके सहारे से मैं एक जाली बना रही हूँ और पेड़ों को सहारा मिल जाएगा। तो श्रेया दोबारा नहीं आई, भाग गई वो। मैंने बोला ठीक है तुम जा रही हो, तो मैंने भी दिमाग चलाया कि ये नीचे जाएगी। मुझे लगा क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ जाती है, तो लगा ऐसा ना हो कि ये सो जाए। तो मैं ये सोच रही थी कि ये खाना पीना खाकर सोए ना तो वो ठीक रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि बेटा मैं नहा धो कर के आऊँगी, अभी पूजा करूँगी, उसके बाद भूख लगेगी तो तुम फ्री हो, इससे अच्छा तुम खाना बना लो, मैं यहाँ का काम कंप्लीट करके आ रही हूँ। तो फिर उसने खाना बनाया और नहा भी लिया था, और उसके बाद खा पी करके वो सोई थी। तो बढ़िया दाल चावल बनाया था श्रेया ने। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जाली बनाई हुई है, धुंधली धुंधली दिखेगी आप लोगों को। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।